मिट्टी को सोना बनाने के हुनर के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये कला जैसे लक्ष्मी कुर्रे के हाथों में बसती हो। उनके हाथों में आई मिट्टी इतनी खूबसूरत मूर्ति में तब्दील हो जाती है कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। प्रतिमा बनाने के लिए वे सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी जानी जाती हैं। आपने अक्सर पुरुषों को स्टैचू बनाते देखा होगा, लेकिन लक्ष्मी इस बंधन को तोड़ चुकी है। उन्हें राज्य की पहली महिला मूर्तिकार कहा जाता है। मेटल जो है लाइफ टाइम के लिए है, और पहले जो मूर्तियाँ थी वो क्या ब्रेकेबल हो जाती है, सीमेंट में हो तो कुछ नाक टूट गए या कुछ, तो ये तो मूर्तियों का अपमान है कि कुछ टूटे हुए फिंगर है या आँख है नाक है, तो इससे मतलब अच्छा प्रभाव तो नहीं पड़ते लोगों पर, तो इसलिए आजकल गन मेटल में होते हैं जिसका लाइफ मतलब अनलिमिटेड है, तो इस की होती है। लेकिन महापुरुषों के जैसे महाराणा प्रताप का बेंगलोर में लगाए हैं, दहार सेन का है ये अजमेर राजस्थान, और गोंदिया महाराष्ट्र में है, वो वहाँ भी महाराणा प्रताप। हमारे पास ये मोहल्ले के हैं 8-10 लोग हैं, वो आते हैं, इंटरेस्ट है उनको देखने का, हमारे मूर्तियाँ देखने आते हैं, तो फिर बोले हमें भी सिखाइए, तो मोहल्ले के ही हैं, आते हैं, सिखाती हूँ मैं। लक्ष्मी पहले मूर्तियाँ बनाने में अपने भाई की मदद किया करती थी। शौक बढ़ा तो उन्होंने इसे हुनर में बदलने की ठानी। लक्ष्मी ने खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट की डिग्री हासिल की है। कुछ बड़ा करना है करके सोचे कि इस फील्ड में कौन कौन काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कौन काम कर रहे हैं अभी इस क्षेत्र में, तो हम लोग बाहर के मेटल गन मेटल की बड़ी मूर्ति जो बनती है तो हम लोग विजिट भी किए, कलकत्ता वगैरह गए, 2-4 फर्निश वहाँ के आर्टिस्ट लोग बड़े आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं वहाँ से देखने के बाद में फिर खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे उस समय मेटल कास्टिंग के लिए टेक्नीशियन के रूप में शांतिनिकेतन से आए थे टेक्नीशियन जो मेटल कास्टिंग का यूनिवर्सिटी में करते मैं देखा, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती देवी सिंह उनका मूर्ति कास्टिंग होते मैं स्टडी पीरियड में देखा था। तब से मुझे लगा कि अब ये इस काम को हम लोग छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, टेक्नीशियन यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई करने वाला है नहीं, इसलिए हम लोग सोचे कि ये काम हम लोग छत्तीसगढ़ में शुरू कर सकते हैं करके, तो शुरू किए। पहला मूर्ति हम लोग का पुलगांव चौक दुर्ग में लगा है, नगर पालिक निगम दुर्ग से ऑर्डर मिला था जिसका, तो वो मूर्ति हमने लगाए हैं 2005 में। उस मूर्ति के उद्घाटन माननीय लाल कृष्ण अडवाणी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, और वहीं पर चौक में हम लोगों का CM रमन सिंह भी थे और अतिथि लोगों के बीच में सम्मान मिला। उसके बाद से काम करने का एक हौसला मिला और जुनून हुआ कि इस क्षेत्र में काम करना है आगे और करके। लक्ष्मी की बनाई पहली मिनी माता की मूर्ति दुर्ग के पुलगांव चौक में लगी है, जिसका लोकार्पण लाल कृष्ण अडवाणी और पूर्व CM रमन सिंह ने किया था। उन्हें जब इसके लिए सम्मानित किया गया तो उनका जोश और बढ़ गया। महाराष्ट्र के गोंदिया, भुवनेश्वर, दिल्ली, बेंगलोर सहित इंदौर में भी उनकी बनाई मूर्तियां लगी हुई हैं। लक्ष्मी के पति मनोज कुर्रे ने उनका बहुत सहयोग किया। अब तो उनके पास बच्चे भी सीखने आने लगे हैं। हम लोग अभी एक महीने पहले से ही सीखना चालू किए थे और आंटी को देख देख के ही हम लोग को लगता था कि नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए, आंटी को देख के मतलब इंटरेस्ट जगता था। मेरे को आंटी से प्रेरणा मिली मूर्ति बनाने का। मैं ये दोस्त है मेरा, इसके घर आता था, देखता था, बहुत सारा मूर्ति बनाते हुए देखा, उनसे मेरे को प्रेरणा। तो आंटी एक दिन बुलाई कि सिखाती हूँ ऐसे करके, तो उसी दिन से हुआ। गणेश मूर्ति और सीमेंट का मूर्ति बनाना सीख चुके हैं, मिट्टी का मूर्ति बनाना सीख चुके हैं। मूर्ति कला में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद लक्ष्मी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अब तक गन मेटल से 100 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां बना चुकी हैं। उनके हाथों का ये हुनर यूं ही कई शहरों में नजर आता रहे। कोमेन सोनकर, ETV भारत, दुर्ग।